Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Aaj hum everyday science ka lecture number 10 start karne lage hain, jiska topic hai is a train. In fact, jo hamara aaj ka topic hai is a train, ye hum last lecture jo hamari ek atmosphere se शुरू हुई थी, फिर उसकी कंपोजिशन हमने देखी थी और उसके बाद फिर हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात की थी और इसके अलावा हमने मज़ीद इससे रेलिवेंट जितनी भी बातें की. तो जो इससे ड्रेन है वो भी इस टॉपिक के साथ रेलिवेंट है. जैसे कि हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं, एक तरतीब से लेक्चर्स अपने लेके चल रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरी हमारी लिंक हो जाती है. तो सेम जो ये टॉपिक है इससे ड्रेन का, ये इसके साथ लिंक्ड है. जब आपकी पिछले लेक्चर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये आप इजीली पिक कर सकते हैं. ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसको हम थोड़ा सा वाइड स्प्रेड में देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपको इस पे कोई पैराग्राफ टाइप लिखना पड़े तो आप लिख भी सकें. तो ओवरऑल हम इसका स्कोप थोड़ा सा इजी भी होगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ के होगा, मतलब आप उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स, उसके रीजन, उसकी इफ़ेक्ट्स वगैरह सारी आपको समझ होनी चाहिए. वरना तो ऐसे ड्रेन की अगर हम बात करते तो दो चार जुमलों में भी बात ख़त्म हो सकती थी. लेकिन इसका चूँकि एक टॉपिक पूरा सीएसएस के कई दफ़ा एग्ज़ाम में भी आया है तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इसको अलग से हम एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे. अच्छा, बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग होंगी कि व्हाट इज़ एसिड रेन. एसिड पे हम जब बात गौर करते हैं वर्ड पे तो इट्स मीन के ये कोई तेज़ाब की बात हो रही है, एसिड की बात हो रही है जो कि पानी, बारिश के पानी में शामिल होता है. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है. इसी लफ्ज़ से ही हम शुरू करेंगे और आगे चलते जाएंगे और सारी इसकी वजूहात पे और सारे इसके इफ़ेक्ट्स पर हम बात करेंगे. अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रेन है उसका, उसके या जो हमारे तालाब हैं या जो हमारे दरिया हैं उसके पानी में तेजाबियत का एक लेवल है, उसको हम क्या कहते हैं, पीएच लेवल. अच्छा, पीएच लेवल क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये असरअंदाज होता है, इसको पहले जान लेना ज़रूरी है. अच्छा, अगर आप नेचुरल बात करें, नेचुरल जो पानी है उसमें डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें पीएचपी लेवल कितना है, पीएच लेवल क्या होगा उसका, उसका तकरीबन 7 पे कर रहा होता है. अच्छा, अगर ये 7 पे है तो ऊपर नीचे इसकी जो रेशियो होगी वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी. जी, आप ऊपर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ तो ये क्या है, अल्कलाइन. ये अल्कलाइन की तरफ चला जाएगा, यानी कि जैसे कि समंदर का पानी है वो अल्कलाइन टाइप होता है, नमकीन होता है. तो उसमें जो है उसका ये लेवल हो सकता है, जो उसकी डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया वेरिफिकेशन हो सकती है, वेरिएशन होती है. और इसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका पीएच लेवल जब कम होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ आप जब जाते हैं तो ये आपका एसिडिटी की रेशो को शो करता है. तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, एसिड रेनफॉल, तो स्कॉटलैंड वगैरह के, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं. लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये लेवल याद रखना है कि 7 पे है तो ये डिस्टिल्ड वाटर है, नेचुरल वाटर एक सही है, उसमें कुछ भी नहीं है. अगर आप ऊपर जाएंगे तो अल्कलाइन होता जाएगा, नीचे जाएंगे तो उसमें तेजाबियत आती जाएगी. इसी की बेस पे ही जो बारिश का पानी है उसमें एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं उसी पे ही हम आगे चल के बात करने लगे हैं. अच्छा, इस ड्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक पूरा आपको फिनमिना जो है अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि एक गाड़ी है, ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड खारिज कर रही है, और ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ये क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड खारिज कर रही हैं. अब ये दोनों जो हैं हमारे इन्वायरमेंट से मूव करती हैं गैसेस ऊपर की तरफ. अब देखें, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड. अब इनका जो प्रोसेस है ऊपर जाके, इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये जो इस पूरे पार्टिकल्स जो पहले से ही अपने जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं उनके साथ मिलके ही जाके जो नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर दूसरी तरतीब ये हो सकती है कि जाके बादलों में जो नमी है, पानी है, उसके साथ अमल करते हैं. और यहाँ पर उनके अमल करने की वजह से नाइट्रिक एसिड बनता है
और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिलेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जब H2O के साथ अमल करेगी, कीमियाई अमल करेगी, तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। और ये दोनों जो हैं ये जब इस नमी के साथ मिलते हैं और इनकी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और फिर जब बारिश होती है तो फिर यही चीज़ें, यही जो बारिश का पानी है नीचे आता है, और ये केमिकल ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कीमियाई अमल हो चुका होता है, और ये साथ आते आते जो इस एनवायरनमेंट में पहले से ही कुछ गैसेस मौजूद होती हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये दोनों जो हैं मौजूद होती हैं, इनको साथ मिला के फिर ये यहाँ पे बारिश होती है। और आपको ये भी पता होगा कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो कहाँ पे होती है, मैदानी इलाकों में जहाँ पे आबादी वगैरह होती है। हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई माउंटेन रेंज वगैरह हो, लेकिन अमूमन क्या होता है जो मैदानी इलाके होते हैं, सीधे इलाके होते हैं, वहाँ पे ये फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये गैसेस ऊपर जाती हैं तो जो बारिश का प्रोसेस होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ही ज़्यादा जंगलात वगैरह होते हैं। तो इन फैक्ट ये जो है यहाँ से जो गैसेस उठती हैं, जो कि यानी कि इंसानी अमल होता है, उसका असर किस पे पड़ता है, जाके पौधों पे पड़ता है और जानदारों पे पड़ता है जो जंगल में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, तीन एलिमेंट इसमें जो है इस ड्रेन में बड़े कलीदी रोल अदा कर रहते हैं, जिनको हम वन बाय वन भी बात भी करेंगे इन पे। एक पे तो हमने बात कर ली, दूसरा अगर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी जाती है, रिएक्ट करती है जो कि एवेपोरेटेड वाटर होता है एटमॉस्फेयर में, और फिर क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है और वो भी नीचे आता है। इसके अलावा हमने सल्फर डाइऑक्साइड पे बात की, और ये जब अमल करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की, ये जब पानी से जाके मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है और ये भी नीचे आता है। और ये तीन जो है, एक कार्बोनिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है, ये जो पानी की मौजूदगी होती है वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, यही जाके अमल करके नीचे आते हैं और जाके इस ड्रेन की शक्ल में जो मुख्तलिफ असरात छोड़ते हैं। अच्छा, जो हमने पहले भी बात की, थोड़ा सा और मज़ीद हम इस पे बात करते हैं। एक तो वेट डिपोजिशन होती है, मतलब जो हम हमारी गैसेस यहाँ से उठती हैं और एटमॉस्फेयर में जाती हैं, या तो वो जो वेपर्स हैं उनके साथ अमल करके, जो हमने तीनों शक्लें देखी कि कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड की शक्ल में, बारिश की शक्ल में आते हैं। तो ये कौन सा अमल होता है, एसिड रेन, फोग, स्नो, ये सारे अमल करके तो आते हैं हमारे इन जो ज़मीन की जो जानदार चीज़ें हैं, जो पौधे हैं उन पे असरअंदाज होते हैं। उसमें क्या है, रेन आउट होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मटेरियल इनटू क्लाउड ड्रॉप्स। इसके अलावा जो वाश आउट का प्रोसेस होता है, वैन मटेरियल बिलो द क्लाउड आर स्वेप्ट आउट बाय रेन और स्नो एज इट फॉल्स। जब स्नो फॉल होता है या फिर जब बारिश होती है तो ये नीचे आ जाते हैं। एक ड्राई डिपोजिशन होती है, ड्राई कैसे होती है, जो बारिश के या जो वेपर्स हैं उनके साथ कीमियाई अमल नहीं होता, बल्कि जो पहले से ही पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ गैसेस मिलके डायरेक्टली जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर नीचे जाता है तो ये पौधों पे, जानदारों पे डायरेक्टली असर करते हैं बगैर किसी बारिश के, मतलब ड्राई अमल होता है और ये तरीके से एक्शन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसिडिक गैसेस जो होती हैं वो पार्टिकल के साथ मिलके अमल करती हैं, और ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पोलूटेंट्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, डायरेक्ट आ जाते हैं ग्राउंड के साथ, या जो पौधे वगैरह हैं या वेजिटेशन और बिल्डिंग के साथ टकराते हैं, या फिर जो ग्रेविटेशनल सेटलिंग है, यानी कि जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती नहीं है, तो ईजिली उनको ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, कशिश कर लेती है, तो जब वो टकराते हैं तो अपना कीमियाई अमल करके नुकसान पहुँचाते हैं। अगर हम इस सिंपल प्रोसेस को दोबारा से एक दफ़ा देखें तो ये कैसे होता है, ये हमारा सूरज है और यहाँ पे केमिकल एक्शन हो रहे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ इससे H2SO4 बन रहा है, और इस अमल के लिए एक तो इसको पानी की ज़रूरत होती है, इसके अलावा ओजोन की तह को भी ये यूज़ कर सकता है।
इसके बाद ये H2SO4, यहाँ पे हमारी आबादी होती है, यहाँ से ये बनता है और यहाँ पे सम टाइम इसका कुछ हिस्सा तो ड्राई डिपोजिशन के ज़रिए आके जो है इस जंगली हयात को मुतासर करता है, जबकि दूसरा जो अमल है ये बारिश के ज़रिए जब आता है तो वेट डिपोजिशन का अमल होता है, ये जानदारों जंगलात वगैरह पर असरअंदाज होता है। ये तो है सल्फ़र डाइऑक्साइड जब अमल करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी हम वन बाई वन बात करते जाएंगे। कासिड, इसके अलावा जो इस ड्रेन के काजेज़ हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड है, उसमें नेचुरल अमल क्या है, वॉलकैनोज भी हिस्सा लेते हैं, सी का जो स्प्रे है, इसके अलावा रोटिंग ऑफ वेजिटेशन यानी कि जो पौधों का कीमियाई अमल होता है उससे भी, इसके अलावा ह्यूमन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ये भी अमल करते हैं, रिलीज़ ऑफ सल्फ़र इनटू एयर जब हम इंडस्ट्री वगैरह होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है जब हम उसको एमिट होती है तो वो भी अपना अमल करती है, इसके अलावा कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ अमल करती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड ही ऊपर जाके पानी के वेपर जो है उनसे अमल करने के बाद बारिश की शक्ल में नीचे आती है। और कौन सी वजूहत हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिस पे हमने पहले भी बात की है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी जाके तो ये भी अमल करती है जाके पानी के वेपर्स के साथ और मुख्तलिफ शक्ल में जब कीमियाई एक्शन होता है और बारिश आती है। ये हांगकांग के एग्जांपल्स हैं कि हांगकांग में जो पहले कैसे अमल होता था, अब जो कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड का रेशो क्या है और कैसे उस पर उन्होंने कंट्रोल किया है। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक कीमियाई अमल या कीमियाई एक्शन देखें तो ये भी सेम जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का हमने एक्शन देखा था, ये भी एक तो इसका हिस्सा ड्राई डिपोजिशन का हिस्सा बनता है और जाके इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा जो होता है ये पानी से जो वेपर्स की शक्ल में H2O होता है उसे अमल करता है और नाइट्रिक एसिड की शक्ल में बारिश के साथ नीचे आ जाता है। इस पूरे आप जो है प्रोसेस को देख सकते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करें ताकि जो है आपके माइंड में एक पूरा कंसेप्ट इसका रहे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एसिड ड्रेन कैसे होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है ये मिलके ही बनाते हैं, मिक्स्ड विद दी मॉइस्चर सल्फ्यूरिक एसिड इससे बनता है और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड और डिजॉल्व इन वाटर रेन बनता है और फॉल इनटू द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे आ जाते हैं, अल्टीमेटली एक जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इस भी पूरी तस्वीर को आप ज़रा गौर से देखें, आपको इसको भी याद रखने में आपको हेल्प होगी। इसका लॉजिक क्या है कि सोर्सेज क्या हैं हमारे पास जो हम मुख्तलिफ गैसेस जो छोड़ रहे हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, ये जो यहाँ से एग्जास्ट होता है, यहाँ से एमिट होता है और अल्टीमेटली यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं उनके साथ अमल करता है और गैसेस और जो बाकी जो वेपर्स हैं उनके साथ अमल करता है और अमल करने के बाद एक ड्राई डिपोजिशन का काम होता है और दूसरा जो है वेट डिपोजिशन, दोनों जो हैं आके नेचुरल लाइफ जो है पौधे हैं जानदार हैं उनको असरअंदाज करता है। इसकी रीजंस क्या हैं, रीजन देख लें, पहले नंबर पे क्या है, नंबर ऑफ सिटीज़ बढ़ रहे हैं, जब सिटीज़ बढ़ते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं और इनके गैसेस जो हैं इनका अखराज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है पॉपुलेशन बढ़ती है, जब सिटीज़ ज़री बात है पॉपुलेशन की बेस पे ही बढ़ते हैं, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिटीज़ बड़े होते जाएंगे और उनके गैसेस की जो एमिशन है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जब पावर प्लांट्स बढ़ते हैं
तो वो भी गैसों का अखराज ज़्यादा होता है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जब बढ़ती हैं, ट्रैफिक बढ़ती हैं, तो ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और यही जो है इस ड्रेन की वजह बनते हैं। इसके अलावा हम रीजनल पोल्यूशन की बात करें स्कैंडिनेवियन की, तो ये भी कुछ वजूहत हैं। आप देख सकते हैं वही बातें हैं जो हमने पहले की कि लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूके है, एमिशन यानी कि यूके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आके असरअंदाज होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को, यानी कि फैक्ट्रीज़ किसी और एरिया में हैं लेकिन इस ड्रेन किसी और जगह पे हो रही है, तो अल्टीमेटली एक्टिविटी किसी और जगह पे हो रही है, यानी कि वो इलाके जहाँ पे पहाड़ी सिस्टम नहीं है या जहाँ पे कंडेंसेशन जो होती है या जो प्रेसिपिटेशन का जो अमल होता है जिससे बारिश होती है वो कहीं और हो रहा है। अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस ड्रेन के? कुछ तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं लेकिन वो बहुत कम हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नंबर वन है इम्प्रूव्स विजिबिलिटी, जब बारिश होती है तो उसके बाद विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या है, डिजॉल्व्स सम ऑफ द एटमॉस्फेयर पोल्यूटेंट पॉइजनस टू द प्लांट्स एंड एनिमल, कि जो हवा में मौजूद कीमियाई जो मादे होते हैं वो नुकसानदेह जो होते हैं वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं और पौधों तक पहुंच जाते हैं, और पौधे जो हैं उनको फिर भी ऑब्जर्व कर जाते हैं, यानी कि इंसानी ज़िंदगी जो है उससे बच जाती है। तो ये भी एक किस्म का, एक जगह पे तो नेगेटिव है लेकिन दूसरे इंसानों के हिसाब से देखें तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तीसरे नंबर पे क्या है, वाशेज अवे डस्ट ऑन द लीव्स ऑफ द अर्बन प्लांट्स एंड रिवाइटलाइज फोटोसिंथेसिस। शहर के इलाके जहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, पौधों के पत्तों पे जब डस्ट पड़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन जो है वो मंद पड़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन बारिश जब होती है तो उससे जो पौधों की धुलाई हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है तेज़ हो जाता है। चौथे नंबर पे है कूल द हार्ट कंक्रीट सरफेस, जो शहर होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे जो बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी कंक्रीट की बनी होती हैं, तो बारिश होने से उनका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। इसके अलावा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसको ये नुकसान देता है। एक्वाटिक कौन सा है, यानी कि जो पानी के अंदर गंदगी है उसको कैसे आदान-प्रदान करता है, यानी कि जो मछलियाँ वगैरह उनको नुकसान होता है, जो इन लेक की एसिडाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी फिश मरेंगी, स्टॉक जो फिश का है वो डिप्लीट होगा, और जो फॉरेस्ट है उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, ये भी इसका नेगेटिव सेकंड इम्पैक्ट है, और उसमें जो फ्रूट्स वगैरह के दरख्त हैं जाहिर सी बात है उनका भी नुकसान होगा। तो ये जो फॉरेस्ट है और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन है वो भी कम होता जाता है, और उससे भी अल्टीमेटली जो है हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है जो कि ओजोन की लेयर को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो है क्रॉप यील्ड ड्रॉप्स, जो फसलें हैं वो जो देती हैं, ये जो यील्ड करती हैं उनसे जो हमें आउटपुट मिलता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमन की हेल्थ जो है इस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि कंटामिनेटेड फिश वगैरह खाएंगे, पानी पिएंगे, या जो डायरेक्ट आँखों पर स्किन पर जितने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे बारिश से या जो इससे ड्रेन है उससे इंसानी सेहत को भी नुकसान पहुँचते हैं। इसके अलावा मटेरियल एंड विजिबिलिटी, कि जो आपकी बिल्डिंग्स हैं, जो आपके यादगार मोमेंट मोनूमेंट्स हैं, इससे ड्रेन जब उन पे पड़ती है तो वो मान पड़ जाती हैं, उनको नुकसान होता है, डिके का अमल तेज़ हो जाता है, जो धातें होती हैं, जो मशीनरी होती है और ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं उनको भी जंग वगैरह तेज़ी से लगती है और उनकी जो है हालत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये एक साथ पिक्चर भी है जैसे आप देख सकते हैं कितना नुकसान। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है, हम कैसे इससे बच सकते हैं? इसके कई सारे आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। इसका लीगलाइज एक्शन होना चाहिए, अंधाधुंध फैक्ट्रियाँ नहीं बननी चाहिए, जो जैसे दिल करे उनका जो है वो फ्यूजल ऑयल जो है फ्यूल जो है वो अपनी मर्ज़ी से ना इस्तेमाल करें, बल्कि उन पे एक कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमिक एमिशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक जोन है, जो इंडस्ट्री है, वो मुख्तलिफ जगह पे वो स्कैटर्ड हो, एक जगह पे कंसंट्रेटेड ना हो, तो उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। और बाकी जो है तीसरे नंबर पे इंस्टॉलेशन ऑफ एडवांस एंटी पोल्यूशन
इक्विपमेंट्स है, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करें तो डायरेक्ट हवा में वही चीज़ें छोड़ने से अब्जॉर्ब करके उसी को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड या जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं जो मशीनरीज या जो फैक्ट्रीज़, वो ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करें जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाए और उसको डिस्पोज ऑफ करें या किसी और यूज़ में लेके आए, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन का सिस्टम एक होना चाहिए कि लोगों को बताएं कि कौन कौन सी उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं इस ड्रेन की तरफ अल्टीमेटली हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और उन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने से हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशन सिस्टम, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स जिनसे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे लोगों को एजुकेट करें, तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है, उनकी जो इंजन्स हैं उनके यूज़ करना, बाकी एक्सेसिव यूज़ जो है ट्रैफिक का, उसको कम से कम किया जाए, बाकी साथ में दरख्त लगाए जाएँ, तो इस तरह के सिस्टम से भी आप इस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटर एंड प्रॉपर सिटी प्लानिंग आप करें जहाँ पे इंडस्ट्री कम से कम हो, जहाँ पे सिटी एरिया हो और वहाँ पे दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हो, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे भी दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस अमल से भी जो है इस ड्रेन के जो नुकसान हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। कंक्लूजन क्या है, आप देख सकते हैं वेदर इट इज़ इफेक्टिव डिपेंड ऑन किस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि कितना किस कंट्री के पास कैपिटल है, कितना वो उसको कंसंट्रेट करके उस पे वर्किंग करने के बाद उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पे है एडवांस टेक्नोलॉजी किस कंट्री के पास कितनी है, अगर ज़्यादा किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस है तो वो कंट्रोल कर लेगा, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तीसरे नंबर पे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जो सिटी है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और सारे अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, तो इससे जो इस नुकसान से हम बच सकते हैं। चौथे नंबर पे कोऑपरेशन अमंग गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड सिटीज़न, यानी कि गवर्नमेंट है, बाकी इंडस्ट्रियल जोन जो इंडस्ट्री के जो यूनियन होती हैं उनके दरमियान कोहेरेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिटीज़न है वो भी कोऑपरेट करें और एक इन चीज़ों को समझते हों, तो ये तीनों का जो एक प्रोसेस होगा, तीनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी सिटीज़न, इंडस्ट्री के जितने लोग हैं और बाकी जो है गवर्नमेंट, ये जब आपस में अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे आपका जो है इस ड्रेन ख़त्म हो जाएगा और इसके नुकसान से बचा जा सकता है।